जय महादेव दोस्तों, आज हम आलू भुजिया बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने 6 आलू साफ पानी से धो लिया है। ये थोड़े बड़े साइज के आलू हैं। इसको हम कुकर में अब डाल देंगे। कुकर में मैंने पानी पहले से ले लिया और इसको उबालने के लिए रख देंगे। ये हमारे आलू उबल चुके हैं, ये देखिए। ये मैंने पुदीना लिया है, पुदीने की पत्तियाँ व 5 हरी मिर्च ले लिए। ये जीरा, ये अजवाइन और ये काली मिर्च और 2 लौंग ले लिया है। इसको हम स्लो आंच पे थोड़ा भुनेंगे। भुना हुए मसाले की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। ये हमारा मसाला भुन चुका है। इसको हम अभी ये पुदीना व हरी मिर्च और ये सब मसाला हम मिक्सी जार में डाल के बारीक पीस लेंगे। 2 चम्मच या आपको थोड़ा लगे उतना पानी लेके, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें। और बारीक पीसना है। ये हमने 5 आलू ले लिए। इसको हम छलनी से छील लेंगे ताकि ये बारीक हो जाए। ये मावा हमारा तैयार हो चुका है आलू का। इसमें पिसा हुआ सब मसाला हम डालेंगे। ये मैंने हींग ली है। ये काला नमक और अमचूर पाउडर और ये सिंपल वाला नमक, ये सब हम इसमें डाल देंगे। ये मैंने सिंग तेल लिया है, जिसको आधा आधा करके हम डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। ये हमारा डो तैयार हो चुका है। इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डाल के इसको मिक्स करेंगे। सारा मसाला हम मिक्स हो चुका है। मैंने आधा किलो के करीब बेसन लिया है, जिसको पहले ही छान के रख दिया था। अब हम बेसन को इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। इसमें पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती है दोस्तों, क्योंकि आलू में इतना पानी होता है। और इसको बिल्कुल नरम कूटना है। आलू की वजह से यह नरम ही होता है। ये हमने 10 मिनट डो तैयार करके रख लिया था। उसके बाद हमने ये सेव बनाने का संचा ले लिया, जिसमें मीडियम आकार की जाली हमने डाल दिया, क्योंकि हम मीडियम आकार की सेव बनाएंगे। ये चम्मच की सहायता से हम सारा डो इसमें डाल रहे हैं। एक तरफ तेल गरम करने के लिए रख लिया है। और ये तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम सेव इसमें डालेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखिए, हाई से थोड़ा सा कम, उससे ज़्यादा कम मत रखिएगा।
सेव बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसको उलटते पलटते रहेंगे हम। ये देखिए इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है। ये हमारी सेव बन के तैयार हो चुके हैं। अभी इसको हम निकाल देंगे। ऐसे ही हमने सारी सेव पहले ही तल रखी है। ये देखिए दोस्तों हमारी सेव बन के तैयार हो चुकी है, एकदम कुरकुरी और स्वादिष्ट। आप एक बार इसको बना के ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और घर की भी रहती है और इसमें सोडा वगैरह कुछ भी नहीं पड़ता है, तो एक बार ज़रूर बनाइए। धन्यवाद दोस्तों। ये देखिए